एक कवि के रूप में प्रतिष्ठित श्री मंगलेश डबराल हिंदी साहित्य की रचना करने वाले श्रेष्ठ कवि हैं। इनका जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफलपानी गांव में हुआ था। प्रस्तुत कविता संगतकार गायन के मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार के महत्व और उसकी अनिवार्यता की ओर संकेत करती है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौ सीखिया था। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी भरकम गाने के स्वर के साथ संगतकार की कांपती हुई सी सुंदर और कमज़ोर आवाज़ मिल गई थी। शायद वह संगतकार गायक का छोटा भाई है या उसका कोई चेला हो सकता है। हो सकता है वह कहीं दूर से पैदल चलकर या संगीत की शिक्षा प्राप्त करने वाला कोई उसका अभावग्रस्त रिश्तेदार हो। वह संगतकार मुख्य गायक की ऊंची गंभीर आवाज़ में अपनी गूंज युगों से ही मिलाता आया है। अभावग्रस्त, ज़रूरतमंद और कमज़ोर, सदा से ही निपुण और संपन्न की ऊंची आवाज़ में अपनी ऊंची आवाज़ मिलाता आया है। मुख्य गायक जब स्वर को लंबा खींचकर अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो जाता है, संगीत के रस में डूब जाता है या संगीत के सुरों की अपनी सरगम की सीमा को पार करके ईश्वर की आनंद की अनुभूति में डूब जाता है और उसे अनहद का आनंददायक स्वर अलौकिक आनंद देने लगता है, तब संगतकार ही गीत के स्थाई को संभाल कर अपने साथ रखता है, यानी गीत को बिखरने से रोकता है। ऐसा लगता है जैसे वह गायक के पीछे छूटे हुए सामान को इकट्ठा करने में लग गया है। संगतकार ही उस मुख्य गायक को उसका बचपन याद दिलाता है जब उसने संगीत को अभी नया नया ही सीखना शुरू किया था और उसने संगीत में निपुणता प्राप्त नहीं की थी। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा सा छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाणस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह फिर से गाया जा सकता है। गाया जा चुका राग और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। कवि कहता है कि मुख्य गायक ऊंचे स्वर में गाता है और उसकी आवाज़ मध्य सप्तक से ऊपर उठकर तार सप्तक पर पहुँचती है तो उसका गला बैठने लगता है, उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है, उसका उत्साह मंद पड़ने लगता है और उसका स्वर बुझा सा लगने लगता है कि वह गायन को ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा। इस कारण से वह हतोत्साहित हो जाता है और जब उसमें निराशा आने लग जाती है तब संगतकार ही उसका साथ निभाता है, उसका हौसला बढ़ाता है। इससे गायक का स्वयं का स्वर कहीं से आ जाता है और वह फिर से ऊंचे स्वर में गाने लग जाता है, उसकी निराशा समाप्त हो जाती है। कभी कभी संगतकार
ही मुख्य गायक का साथ देता है और उसको एहसास कराता है कि वह अकेला नहीं है। वह उसे गाकर यह भी बता देता है कि जिस राग को पहले गाया जा चुका है उसे फिर से गाया जा सकता है, लेकिन उसकी आवाज़ में हिचक का भाव छुपा रहता है। उसे लगता है कि मुख्य गायक से संकेत मिले बिना उसे गाना ही नहीं चाहिए और वह अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं करता है। संगीतकार के द्वारा अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की कोशिश उसकी असफलता नहीं है, बल्कि यह तो उसकी इंसानियत है कि वह अपने गुरु की आवाज़ से अपनी आवाज़ को ऊंचा उठाना नहीं चाहता है। जो उसमें श्रद्धा का भाव है वह सराहनीय है। इस कविता के माध्यम से कवि विवश या ज्ञान के इच्छुक व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है। वह यह कहता है कि जो संगतकार हैं, यानी चाहे वो कोई भी हो सकता है, उसका रिश्तेदार भी हो सकता है मुख्य गायक का, या उसका भाई भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए गायन की कला सीखना उसकी विवशता है। किस प्रकार से वह मुख्य गायक का साथ निभाता है यह इस कविता में बताया गया है कि कभी कभी संगतकार मुख्य गायक का साथ देने के लिए गाता भी है और यह बता देना चाहता है कि जो राग पहले गाया जा चुका है उसे फिर से गाया जा सकता है, लेकिन उसकी आवाज़ हिचक के कारण साफ नहीं सुनाई देती है और वह अपने स्वर को ऊंचा नहीं करता है क्योंकि वह अपने मुख्य गायक के मान सम्मान की रक्षा करना चाहता है। हर क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने के लिए लोगों की सहायता लेनी पड़ती है। हम सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहते हैं, इसके लिए हमें दूसरों की सहायता और योगदान की ज़रूरत पड़ती है। कल्पना चावला के नाम को आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि सारे संसार में प्रसिद्धि हो चुकी है। तो इसी प्रकार से सबसे पहला योगदान उनके माता पिता और भाई ने दिया, उसी प्रकार से जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें किसी न किसी के योगदान की आवश्यकता पड़ती है। एक सफल व्यक्ति के पीछे उसके लिए बहुत सारे संगतकार होते हैं, जिस प्रकार गायक को आगे बढ़ाने में उसके संगतकार मदद करते हैं। संगतकार कोई भी हो सकता है, उसके साथ आवाज़ देने वाला या ढोलक तबला सारंगी आदि में भी उसकी संगत करने वाला। इस प्रकार से संगीतकार मंगलेश डबरार ने जो पाठ रचा है, कविता रची है, उसमें यही बताया गया है कि किस प्रकार से जो है संगतकार संगीत को आगे बढ़ाता है और उसे बचपन याद दिला रहा हो जैसे उसका, वही मुख्य गायक के गिरते हुए स्वर को ढांढस भी बंधाता है। कभी कभी वह उसे यह भी एहसास करा देता है कि वह अकेला नहीं है बल्कि संगतकार उसके साथ है। संगतकार कविता का पठन करते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरी की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग,
और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। कवि मंगलेश डबराल, इनका जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल के उत्तरांचल के काफलपानी गांव में हुआ था और इनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई थी। दिल्ली में आकर हिंदी पेट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वाग्रह में सहायक संपादक के पद पर स्थापित हुए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी उन्होंने कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए थे। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें पहला है पहाड़ पर लांटेन, दूसरा है घर का रास्ता, तीसरा है हम जो देखते हैं, चौथा है आवाज़ भी एक जगह है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहला सम्मान से सम्मानित मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। मंगलेश की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मनी, स्पानी, पोलस्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध और पूंजीवादी छल छंद दोनों का प्रतिकार है, तो वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी है। इस कविता में संगतकार जो कविता है इसमें मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार। माध्यम की प्रस्तुतियां जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है कि हम समाज और इतिहास में ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। कविता हमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है।